कितना अच्छा लग रहा है, तीर्थ स्थान पर आकर मन को शांति मिलती है। आखिर यहाँ लाने के लिए तेरा दिमाग कैसे चल गया? रुकिए, बत्ती जल जाएगी। वेलकम टू टाइटैनिक। टाइटैनिक? इस होटल का नाम टाइटैनिक नहीं, छोटा टॉनिक होना चाहिए। बनी, रूम नंबर 106 की चाबी। गाँव बसानी भीख मांगने पहले चले आए। क्या पता चलेगा, अंकल को हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अबे कुछ नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। तेरे ये दोस्त आखिर क्या बकवास कर रहे हैं? तुम लोग चुप रहो। बापू, अंदर आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन डरना नहीं। डर? और मुझे? ये नारायण सिर्फ लोगों को डराता है, खुद डरता नहीं है। ये तुमने बताया नहीं। तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है, अबे चल, इसको डराना। चलो मैं उठाता हूँ। चलो। नमस्ते। हाँ, मेरा भी। पर ये शंकर दादा की बहन यहाँ क्या कर रही है? वो कहना डैडी, हम दोनों शादी करने वाले हैं। डैडी, आपने देखा ना आपका भविष्य कितना उज्जवल है, अब तो हमें आशीर्वाद दे दो। हाँ, इसलिए यहाँ आने का प्लान किया। अब यहाँ से भागने का कोई प्लान है तो वो भी मुझे बता दो। अब डरना बंद भी करो और तुम लोग जाओ, तैयार होकर मंदिर पहुँचो। हाँ चलो, हम तैयार होते हैं। भी दो। हाँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, अपने पास और चिल्लर है। ए, है ना? कहती हूँ कि आगे क्या होगा। ये प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो शादी भी हो गई, अब जिंदगी उछलते कूदते निकल जाएगी। नहीं, अब हम रहेंगे कहाँ? सिंपल, वापस जाने के बाद तो मेरे जिगरी दोस्त कालिया के पास रहना, क्योंकि इसके अलावा इसका घर कोई नहीं जानता। क्यों रे काले? बिल्कुल सही। मैं पहले की तरह कुछ दिन तुम्हारे भाई के साथ काम करूंगा, फिर मौका देकर छक्का मारूंगा और जॉब छोड़ दूंगा। फिर हम फॉरन में सेटल हो जाएंगे। फॉरन में सेटल होगा? तेरी शक्ल देखकर कोई काम भी नहीं देगा। हम अकल से मिलता है, शक्ल से नहीं। इनमें सपने देखते रहते। उज्जवल भविष्य के सपने मैंने, आप देखते हैं।
घबराने की बात नहीं, इनका कोई ज्यादा खून नहीं निकला। अपन को शुरू से ही पता था तू धोखेबाज है। तूने क्या सोचा था एक मशीन और बलून लगाकर बेवकूफ बनाएगा, वो भी हमारे दादा को? दादा नुकसान आप ही का होगा ना, अब दादा को कैसे बेवकूफ बनाएगा? और क्या प्लान्स हैं? और क्या स्कीम्स हैं? बेबी को भगाने के पीछे भी तेरा ही हाथ था ना, और क्या चाहता है तू बताना बताना। दादा खर्चा पानी दे दिया इसको। यो बे लंबू, तू यहाँ क्या करने आया था? भूल गए दादा, आप ही ने फैमिली के साथ तीर्थ पर जाने को कहा था। टूर का बजट नहीं था इसलिए फैमिली को पास वाले भगवान से मिला दिया। आपके लिए प्रसाद भी लाया था और 500 की रसीद भी लाया था। लगता है कहीं गिर गई। स्पेशल दर्शन में गया था? जी दादा। कब गया? कल दादा। कितने बजे? ठीक 10 बजे दादा। जो क्या मंदिर के ऑफिस में फोन लगा? अगर भांडा फूट गया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों बे, पहचाना क्या? हाँ भाई पहचान लिया। मुझे उनके नाम चाहिए जिन लोगों ने कल 10 बजे स्पेशल दर्शन किए थे। लाइन पे रहो। हाँ लाइन पे हूँ, जल्दी बक। भाई नारायण। बोले तो? नारायण शास्त्री। नारायण। मैं राजलक्ष्मी शास्त्री। बोले तो? राजलक्ष्मी। ये भाई बबलू शास्त्री। बबलू शास्त्री। बस इतना ही है, क्योंकि एक और नाम है। क्या नाम है भाई? क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या भाई? ठीक से पढ़। हाँ पढ़ रहा हूँ भाई। संध्या शास्त्री। संध्या। और तो कोई नहीं था ना वहाँ? नहीं और कोई नहीं। तो फिर फोन रख। जी भाई। मेरी बात सुन नारायण, तेरे बेटे ने अपनी जान पर खेल कर मेरी बहन पूजा की जान बचाई और मेरा दिल जीत लिया। हम भी बाल बाल बचे। ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? आप शर्मिंदा कर रहे हैं दादा। अरे लंबू। दादा इस धंधे में सब पे शक करना ही पड़ता है, दिल पे मत लेना। नहीं लूंगा। अरे पक्या? हाँ दादा। कितना देते भाई इसको अभी? सबसे ज्यादा पगार है 11,000 रुपए। 4,000 जोड़ के राउंड फिगर कर दे आज से। आओ जी चुप कराओ को इनको। बोल बेटा कौन था वो? बेटा भाई कुछ पूछ रहा, जवाब दे। बताऊंगी तो आप क्या करेंगे? जान से मार डालूंगा साले को। फिर तो भूल जाइए। उसे कुछ नहीं करूंगा तो बताओगी? मुझे आप पे भरोसा नहीं, सॉरी। आओ जी चुप हो जाओ। डांटिए मत दादा, मैं पूछता हूँ। ठीक है बताइए क्या बात है। हाँ समझ गया। हाँ बोल देता हूँ। कुछ नहीं हुआ दादा, सड़ी हुई मच्छी खा ली थी तो पेट खराब हो गया। गंदा हो गया दादा। तो इधर से ले जाओ इधर से। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तो पता लगा लीजिए। ऐसे बात नहीं करते, बता दो किसके साथ गई थी। आप चाहे मुझे डराएं, फुसलाएं या फिर धमकाएं, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अरे दादा। अरे घर के सामने जो होटल है उसे लास्ट मिली है दादा। नमस्ते। अरे रास्ता दे दादा। अरे का मतलब अपन के घर पे लोग इधर से ही नजर रखते हैं। सुनो, किसी पर भी शक हो तो उसे उठाकर मेरे पास लाओ फौरन। बहन की लाइफ का सवाल है। राजू बता मुझे तूने सब कुछ इतनी अच्छी तरह कैसे संभाल लिया? वो रजिस्टर वाला मेरा दोस्त है, उसे मैंने सब बता दिया था, इसीलिए उसने पूजा का नाम ही नहीं लिया। अबे चुप बे नालायक। बेटा तूने कहा था विदेश जाकर तू वहाँ पे सेटल हो जाएगा, अब जो भी हुआ उससे शंकर दादा और चौकन्ना हो जाएगा और तुझे उसके आसपास भटकने तक नहीं देगा। पापा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, मैं हूँ ना, सोचूंगा कुछ। बबलू मुझे नहीं पता तू क्या सोचेगा, पर गृह प्रवेश और सुहागरात जल्दी करो। सुहागरात? लिवर और गुर्दा खा के तेरे दिमाग में भूसा भर गया है, अब कोई सुहागरात नहीं, अमावस की रात आएगी, सिर्फ अमावस। अरे बबलू, शंकर दादा की बहन फिल्म देखने तो तेरे साथ गई थी लेकिन भाग गई किसी और के साथ, अब सब गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। मैं ही उसे ले गया था। क्या हुआ मुनीम जी? कुछ नहीं, अपना काम करो। शादी के बाद एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होता है ना अंकल। शादी भी कर ली तो भाग कर क्या जॉगिंग के लिए गए थे? हो गई शादी, अब क्या होगा? अब ये क्या कर रहे हो? गोली खा रहा हूँ बीबी के लिए। बीबी के लिए? बीवी नहीं, बीपी के लिए। अच्छा अंकल आपको तो एक्सपीरियंस है, बताइए ना मैं हनीमून के लिए कहाँ जाऊँ? जाओ यहाँ से, मैंने अपना हनीमून नहीं बनाया। जाओ, उसका दिल हो रहा है, बुला रही है, जाओ। इससे दूरी रहो तो अच्छा है। दिल लगा रही हूँ ना। आज थोड़ा काम है बेबी, वरना मैं ही तो करता हूँ। मुझे बुलाया बेबी? तो क्या बेबी बेबी बोलता है? पूजा जी बोले, इज्जत दे। मुझे बुलाया पूजा जी? कैसा लगा बॉस, चलेगा ना? मैंने पूजा जी बोला, अच्छा लग रहा है? तुम्हें सर बुलाऊं? बोलो। ठीक है। दिमाग की धई, तुमने क्या मुझे बड़े ससुर जी की चंपी करने बुलाया? बात करनी थी। हमारा प्लान फेल हो गया और हम पकड़े गए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान को कितना खतरा है, तुम यहीं सबसे ज्यादा सेफ हो। हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हमें अपनी प्रॉब्लम से डरकर भागना नहीं है बल्कि
प्रॉब्लम को भगाना है। हमारी उस प्रॉब्लम का क्या? कौन सी प्रॉब्लम? वही जो शादी के बाद होती है। सुहाग रात मैंने आंटी से बात की और उन्होंने कहा कि इस हफ्ते मुहूर्त अच्छा है। ओ, सास बहू में अच्छी जम रही है। ठीक है, करता हूँ कुछ। अंकल जरा फोन देना। फोन का क्या करोगे? हेलो, कार्बोरेटर बोल रहा हूँ। कार्बोरेटर नहीं रे, कॉर्पोरेटर बोल। कार्बोरेटर गाड़ी में होता है। अल्लू से फोन बल्लू को दे। हाँ हाँ देता हूँ भाई। साले साहब बात कीजिए। ए बल्लू, तेरे बेटे की गलती के लिए शंकर दादा ने उसे मारा, पर लड़की ने क्या किया उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा तू? असली मर्द का बच्चा है तो सीधे शंकर दादा से पंगा लेना। तू कौन होता रहा मुझे सिखाने वाला? शंकर से तो मैं बदला लूंगा ही, उसकी बहन को मारूंगा और तब जाकर दम लूंगा। अगर तुझ में दम है, डेरिंग है, तो ये सारी बातें शंकर दादा को फोन करके अभी बता दे। ये क्या किया? मेरे फोन से फोन किया, अगली बार धमकी देने के लिए अपना फोन इस्तेमाल करना। मेरा फोन मुझे दे दो और मुझे माफ कर दो। नंबर चेंज कर देना। मुझे सुनना, बिल भी मुझे ही भरना पड़ेगा। ए बल्लू, तेरे को पता है आप उनकी बहन पे दो बार जानलेवा हमला करने के बाद भी तू अभी तक काय को जिंदा है? क्योंकि तेरे बेटे को मारा इसलिए तेरे से थोड़ी सी हमदर्दी हो गई थी। आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने सीधा अपुन को ही फोन कर डाला। फोकट में पंगा लिया है तूने। हाँ, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और ये फाइनल है। सुना तूने? शंकर दादा फोन पे कैसे चिल्ला रहे हैं? इसीलिए तो मैंने फोन किया था। बैलेंस है ना, फोन देना जरा। मैंने दूंगा। अरे घर पे फोन करना है। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो माँ। हाँ बेटा। बहू का कमरा सजा कर रख दो, वो आ रही है। मगर शंकर दादा। वो सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। संध्या बेटी घर ले जाएगा, एक और गोली खा लो। बस करो, ये टैबलेट लंच ब्रेक में मत खाओ। गोली नहीं खाऊंगा तो लंच तक जिंदा नहीं रहूंगा। पहले ताला लगा लूं, अब क्या होगा मेरा, ऊपर वाला ही जाने।